आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रीजन बींग इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो इंसान हैं एक तो टेलर भाई साहब और एक हेनरी प्योल सर दोनों के ही कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे तो आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेलर भाई साहब के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मतलब टेलर भाई साहब ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए थे उनके बारे में डिटेल्ड वे में एग्जाम्पल की मदद से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सो so, ये वीडियो का एक भी मिनट स्किप नहीं होना चाहिए रीजन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, सबसे पहले इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दो नोबड़ी विल आस्क यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कब पैदा हुए थे क्या करते थे क्या नहीं करते थे बट थोड़ा सा इनकी मेंटालिटी को समझने के लिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या इनकी लाइफ में हुआ सो so बेसिकली इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर ठीक है इनको प्यार से एफ डब्ल्यू टेलर भी बोला जाता है प्यार से बोलो या फिर ईजी वे में बोलो क्योंकि इतना बड़ा नाम याद करना बहुत मुश्किल है ना तो एफ डब्ल्यू टेलर के नाम से ये जाने जाते हैं ठीक है इनका जीवन मरण के बारे में यहाँ लिखा हुआ ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये इंडस्ट्री में एफिशिएंसी लाना चाहते थे मतलब इनकी लाइफ का सोल मोटो था कि मुझे लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है मुझे कैसे भी करके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है अब इन्होंने 1911 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश किए जो कि आज की डेट में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स में और इनको फादर ऑफ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फादर ऑफ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है एफ़ डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्योल सर तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि एफ़ डब्ल्यू टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है साइंटिफिक लिखा हुआ है मतलब एस से शुरू हो रहा है एस के बाद क्या आता है अल्फाबेट्स में टी आता है तो एस साइंटिफिक टी स्टैंड्स फॉर टेलर तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ठीक है अब आ जाते हैं हम इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर ये चार प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज आर हर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी इन प्रोस्पेरिटी एक एक करके पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग विद साइंस नॉट रूल ऑफ थम देखिए इसे समझने के लिए ना सबसे पहले तो आपको ये रूल समझना चाहिए रूल ऑफ थम का क्या मतलब होता है क्या मतलब होगा आपके अकॉर्डिंग अंगूठे का राज अंगूठे की छाप ऑब्वियसली नहीं रूल ऑफ थम का मतलब होता है ऐसे मानिए एक इंसान है ठीक है इसने अपनी लाइफ में जो जो परिस्थिति देखी जो जो चीजें देखी जो जो इसने वहां से सीखा इसने बस वही अप्लाई कर दिया कह सकते हैं हम सरल लैंग्वेज में कि इसने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है बस उसे ही अप्लाई करता जा रहा है राइट right? तो इस चीज को बोला जाता है रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मतलब होता है बिना कैलकुलेशंस किए बिना साइंटिफिक मेथड अप्लाई किए अपने एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है बस वही आप अप्लाई करते जा रहे हैं मतलब अगर मान लीजिए एक मैनेजर है ठीक है उसने अपनी मैनेजरल लाइफ में सीखा कि अगर आपको वर्कर्स को खुश रखना है तो उन्हें बोनस देते रहिए ठीक है जैसे ये हर महीने या हर साल बोनस देता था अपने वर्कर्स को वर्कर्स खुश हो जाते थे और फिर वो बहुत ही लगन के साथ काम करते थे अब ये चीज इन्होंने साइंटिफिकली थोड़ी ना करके देखी है ये चीज उन्होंने कैलकुलेट करके थोड़ी ना देखी है ये चीज तो इन्होंने अपने लाइफ में जो सीखी बस अप्लाई कर दी तो इस चीज को बोला जाता है रूल ऑफ थम और टेलर भाई साहब का कहना यह है कि आपको मैनेजमेंट के टाइम पे रूल ऑफ थम को फॉलो नहीं करना चाहिए मतलब अपने एक्सपीरियंस वाली चीज़ को ना फॉलो करके हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए इनका ये मानना था कि किसी भी काम को अगर हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है एफिशिएंसी आती है सो so, अगर हम साइंटिफिक तरीके से किसी काम को करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी जो कि एक्सपीरियंस के साथ जरूरी नहीं है पॉसिबल हो सो टेलर बिलीव दैट देर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशियंसी टेलर भाई साहब का ये मानना था कि एक ही तरीका हो सकता है मैक्सिमाइज करने का एफिशियंसी दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एनालिसिस और इस मेथड को आपको डेवलप करना पड़ता है स्टडी एंड एनालाइज करके और जो भी मेथड डेवलप होगा वो रूल ऑफ थम का क्या होगा सब्सटूट होगा वो इसको हटा के खुद लागू हो जाएगा देखिए यहाँ टेलर भाई साहब बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा काम लो या बड़े से बड़ा काम लो हर एक काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है जो हमें निकालना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट स्टडी बेसिस पे ठीक है और जैसे ही हम वो तरीका अप्लाई कर देंगे इस काम को करने में एक तो कम टाइम लगेगा एंड एट द सेम टाइम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आप डिराइव कर पाएंगे मतलब एफिशिएंसी लेवल अचीव कर पाएंगे और इसकी वजह से ह्यूमन एनर्जी सेव होगी टाइम एंड मटेरियल सेव होगा इसका वेस्टेज नहीं होगा हर एक चीज बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से होगी जिसकी वजह से सेविंग्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन की सो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी क्या चाहिए एफिशिएंसी इंप्रूव करना ही चाहिए ना सब चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट डिराइव किया जा सके राइट तो बस रूल ऑफ थम ना लगा के अगर हम साइंस की मदद लेंगे साइंटिफिक मेथड्स की मदद लेंगे तो हम वो चीज आसानी से अचीव कर पाएंगे चलिए साइंस नॉट रूल ऑफ थम में बस इतना ही था ना लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉ हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल के रहना आपस में तालमेल बनाए रखना अब हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक होते हैं ऑनर्स जिनका लगा होता है पैसा एक होते हैं मैनेजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करते हैं और एक होते हैं हमारे वर्कर्स जो कि एक्चुअली क्या करते हैं काम करने का काम करते हैं अब ऑनर्स तो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होते ऑनर्स को जो भी बात बोलनी होती है वो मैनेजर्स के थ्रू वर्कर्स तक भिजवाते हैं एंड वाइस वर्सा वर्कर्स को जो बात बोलनी होती है वो मैनेजर्स के थ्रू भिजवाते हैं अब यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स की आपस में ही बननी बंद हो जाती है ऐसे मानिए कि जो मिडल मैन था उसी के साथ आप भिड़ गए तो आपकी बात तो आगे पहुंचेगी नहीं ना ही यहाँ की बात प्रॉपर वे में आप तक पहुंचेगी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप मेंटेन रहे अगर आप वैसे भी देखें तो मैनेजर शुरू होता है एम वो से वर्कर शुरू होता है डब्ल्यू से दिखने में भी तो एक समान ही है तो आपस में अगर ये तालमेल ये बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एफिशिएंटली नहीं चलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा अब तालमेल बनाना क्या इतना सिंपल है तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं तालमेल बनाने में तो भाई किसी के साथ भी रिलेशनशिप निभाना हो कितनी मुश्किलें आती हैं कितनी सारी चीज़ें आपको मेक श्योर sure करनी पड़ती हैं कि आप अपने एंड से करें आप छोटा अपना दोस्ती वाला ही रिलेशनशिप मान लो किसी से आप दोस्ती करते हो अगर आपको उसको लाइफ लॉन्ग चलाना होता है तो कितने बार कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कितनी सारी चीज़ें उस इंसान के लिए करनी पड़ती हैं तो यहाँ पर भी मैनेजर्स को और वर्कर्स को अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा जैसे कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ है तो मैनेजर्स ने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ वर्कर्स के साथ वर्कर्स खुश हो गए उनको लगा वाह यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है तो हमें भी प्रॉफ़िट का हिस्सा दे रही है हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहीं पे अगर वर्कर्स कभी अपने कोई सजेशन देते हैं मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए कि भाई तुम तो वर्कर्स हो तुम्हें क्या पता तुम चुप्रो हम खुद देख लेंगे दिमाग वाला काम हमारा है अगर ऐसे रिएक्ट किया जाएगा तो वर्कर्स क्या अच्छे से लेंगे उस चीज़ को नहीं लेंगे ना तो अगर वर्कर्स आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं उनके सजेशन का क्या करें आप थोड़ा सा उनके सजेशन को कंसिडर करो उनको अवॉर्ड्स दो उनको रिवॉर्ड्स दो तो अपनी तरफ से वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन समझना चाहिए और जो भी उनकी तरफ से पॉसिबल हो वो मेक श्योर sure करना चाहिए कंप्लीट हो इस प्रकार से क्या होगा मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा और आपको पता है जहां पे भी हार्मनी होती है वहां पीस होता ही होता है और पीसफुल एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा फ्लरिश करेगा अब भाई आपस में वर्कर्स और मैनेजमेंट ही लड़ते रहेंगे तुम ऐसे मानो वर्कर्स स्ट्राइक करके बैठ गए कि हम तो नहीं करते काम मैनेजर्स बेचारे पीछे पड़ पड़ के कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए काम हो जाए हो जाए काम पर ऐसे में क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं मशीनें चल नहीं रही हैं वर्कर्स अपने आप में लगे हुए हैं मैनेजर्स उनको मनाने में लगे हुए हैं कुछ हो पाएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कतई भी नहीं हो पाएगा सो so, जरूरी है क्या हो दोनों के बीच में एक तालमेल वाला रिलेशनशिप हार्मनी वाला रिलेशनशिप मेंटेन रहे देन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे जापानीज वर्क कल्चर का दैट इज वेरी फेमस आपको पता है जापानीज वर्कर्स जब परेशान होते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि भैया हमारी मांगे पूरी करो स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो इंडियन स्टाइल में स्ट्राइक नहीं करते कि भैया नारेबाजी शुरू कर दी ऑर्गेनाइजेशन पे पथराव करना शुरू कर दिया और काम का छोड़ के बैठ गए हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं गुस्से में है बिल्कुल ऐसे तोड़फाड़ कर रहे हैं ऐसा नहीं करते वहाँ के लोग वहाँ के वर्कर्स जो काम उनको दिया जाता है ना फरसे दस घंटे की उनकी शिफ्ट है बारह घंटे काम करेंगे चौदह घंटे काम करेंगे अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए मतलब वो काम को छोड़ते नहीं हैं बल्कि ओवर टाइम करने लग जाएंगे ज़्यादा डबल ट्रिपल काम करने लग जाएंगे बस क्या करेंगे काम करते करते अपने हाथ में एक ब्लैक बैंड बांध लेते हैं जो कि एक काइंड ऑफ सिग्नल होता है मैनेजमेंट के लिए कि भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स आपसे खुश नहीं हैं सो so, इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है और बोला जाता है कि इनसे हमें भी सीखने की जरूरत है कि काम छोड़ के नहीं बैठना चाहिए वर्कर्स को जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती रादर उनको डबल ट्रिपल काम करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट को भी लगे कि अरे यार वर्कर्स इतना कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी बहुत मांगे तो सुननी बनती हैं चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल पे और ये थर्ड वाला प्रिंसिपल ना जो अभी हमने सेकेंड वाला प्रिंसिपल पढ़ा ना उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है ये वाला प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक इंसान अपने बारे में ना सोच के बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे और आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता हुआ चले कोई भी इंसान सिर्फ अपने बारे में ना सोचे चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट है चाहे वो वर्कर का पार्ट है ना वर्कर अपने बारे में सोचे कि हाँ मैं तो अपना अपना मतलब निकालू मेरे को तो अपने आप से मतलब होना चाहिए मुझे कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करिए और सेम गोल्स फॉर मैनेजमेंट मैनेजमेंट को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अपना खुद का मतलब निकल रहा है भाड़ में जाए वर्कर्स नहीं दोनों को ही आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए दोनों को ही हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन मेंटेन रहे पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था कि मैनेजमेंट को हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए अपने कान खुले रखने चाहिए वर्कर्स की और वर्कर्स को ऑन द अदर साइड मेक श्योर करना चाहिए कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते रहें मैनेजमेंट को अपने क्रूशल जितने भी सजेशंस हैं वो देते रहें अपनी तरफ से अपना काम हमेशा पूरा करें फालतू की प्रोटेस्ट वगैरह पर ना जाएँ और जब भी लगता है पीसफुल तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को अपना सॉल्व कर लें लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी अब यहां देखो आपकी मॉम चाहती हैं कि आप हर एक चीज में बेस्ट बने आप हर एक चीज में क्या करें बेस्ट बने मतलब आपको स्केटिंग भी आनी चाहिए आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए आपको स्पोर्ट्स भी अच्छे करने चाहिए तो अब क्या बस वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगी आपके लिए वैसे कुछ नहीं करेंगे क्या वो आपको स्विमिंग क्लास नहीं लेके जाएंगी क्या वो आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलग अलग जगह नहीं लेके जाएंगी क्या वो आपको पढ़ाने में मदद नहीं करेंगी बिल्कुल करेंगी ना अगर कोई माँ अपने बच्चे से सब कुछ एक्सपेक्ट करती है तो उसको सब कुछ देती भी तो है अगर हमारी मॉम्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा के लाएं या कुछ भी करें बदले में जब हम घर आते हैं तो एक स्माइल के साथ हमें खाना बना के कितने प्यार से खिलाती हैं करती हैं कि नहीं मैनेजमेंट को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि हमारे वर्कर्स अपना हंड्रेड परसेंट दें हमेशा हर काम बहुत अच्छे तरीके से करें एफिशिएंटली हर काम को करें तो पहले वर्कर्स को उतना सक्षम भी तो बनाओ तुमने वर्कर रख लिया अनट्रेन सा उसको कुछ आता नहीं है और तुम उससे एक्सपेक्ट हो कि वो सारे काम करते वो भी बढ़िया तरीके से दैट्स तो नॉट पॉसिबल ना आपको वर्कर को पहले ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करनी चाहिए भाई एक बार ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे आ गए लोग काम करने के लिए तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि अब उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी तुम कुछ ना कुछ काम करो उनकी करियर में भी तो एडवांसमेंट आनी चाहिए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके लास्ट में उनको ये सुनने को ना मिले कि हमारे तो दिमाग पे जंग पड़ गया है क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को ही नहीं मिला तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले उनको कुछ नया ज्ञान मिले जिससे उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ एडवांसमेंट आए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो हर एक पर्सन को पहले तो तुम साइंटिफिकली सेलेक्ट करो ऐसे नहीं कि भैया मुझे पांच लोग आए थे ये देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए और मुझे ये बंदा पसंद आ गया तो मैंने इसे हायर कर लिया नो no. बायसनेस नहीं चलनी चाहिए हर एक बंदे को हायर करने से पहले साइंटिफिक तरीके से उसको सेलेक्ट करो उसको वर्क असाइन करो ऐसा जो कि उसकी कैपेबिलिटी से मैच करता हो जहां लगता है कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसा करना पड़े तुम्हें अपनी तरफ से अगर तुम्हारी जेब से खर्चा भी हो रहा हो तो तुम वो करो तभी कोई वर्कर अपना टू हंड्रेड परसेंट तुम्हें देगा भाई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हूँ और वो मेरे ऊपर पूरा ट्रेनिंग वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं तो क्या मैं उसको अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दूंगी बिल्कुल दूंगी मेरे को लगेगा ना कि ये भी मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो बदले में, में मेरा भी बनता है देखिए सिंपल सा रूल है चाहे कुछ भी बोलिए ये दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है अगर कोई मुझे कुछ दे रहा है तो बदले में मुझे भी उसको देना बनता है और अगर मुझे सामने से कभी कुछ नहीं मिल रहा और मैं ही देते जा रही हूं देते जा रही हूं देते जा रही हूं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आई विल बी सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं देना बिल्कुल बंद कर दूंगी सो so, इसलिए बोला जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स से अगर कुछ एक्सपेक्ट करें तो आपको भी उन्हें कुछ देना चाहिए सेम गोस्ट फॉर मैनेजमेंट कि वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट उनके लिए कुछ करे तो उनको भी बदले में कुछ ना कुछ करना चाहिए और इस तरीके से हमारे चारों प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंप्लीट होते हैं आई होप आपको ये चारों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं बहुत ही सिंपल थे बहुत इजी थे बस बहुत ही हवा बना के रखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं ऐसा है वैसा है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है आपने खुद ही देख लिया अब हमारे जो टेलर भाई साहब है ना उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं दिए उन्होंने दिए हैं टेक्निक्स भी तो वो टेक्निक्स पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिए पूरा सिलेबस ट्वेल्थ क्लास का मैं यहाँ पे फिनिश करने वाली हूँ तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लो इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करते जाओ दैट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो